परसों जो है बाबर आजम ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया कि हैशटैग आस्क बाबर, मतलब बाबर से कोई भी सवाल पूछें बाबर आजम लाइव आएगा ट्विटर पर। जो बाबर आजम आए भी, उन्होंने जो है उन सब सवाल के जो है जवाब दिए। मतलब कि सिर्फ 24 घंटों से पहले पहले ही तकरीबन 50,000 से ज़्यादा जो है सवाल लोगों ने पूछ लिए ट्विटर पर, और ट्रेंड बन गया पाकिस्तान में, नंबर 1 ट्रेंड बन गया पूरी दुनिया में, 4th नंबर पर हैशटैग आस्क बाबर ट्रेंड बन गया। मतलब कि बाबर आजम द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान बन चुका है इस वक्त, और उन्होंने जो है ये ट्वीट किया। उसके बाद जो है बाबर आजम लाइव आए और उन्होंने जो है जिन जिन सवाल के जवाब दिए, उनमें से काफ़ी जो इंटरेस्टिंग सवाल के जवाब थे वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ा जो सवाल जो बाबर आजम जिसका जवाब दिया कि बाबर आजम को द बाबर आजम द बिगेस्ट ब्रांड बनाने में सबसे जो बड़ा रोल है वो किसका है, तो बाबर आजम ने इसका जवाब दिया कि सरफराज अहमद ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, उन्होंने बाबर आजम द बाबर आजम बनाने में मुझे बहुत मैंने हेल्प की हर लिहाज से, जनरल स्पोर्ट के जिस दौर में बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए उस वक्त मिसबाह, यूनुस खान, अफरीदी सब रिटायर हो चुके थे। मतलब जो पाकिस्तान के लेजेंड प्लेयर थे, जो बड़े बड़े प्लेयर थे वो रिटायर हो चुके थे, जिसकी जो हेल्प है वो बाबर आजम को नहीं मिल सकी। मतलब कि जिस तरह कोहली जो है ये बड़े बड़े प्लेयर्स के अंडर खेल कर आया, जिनमें जो टेंडुलकर का नाम जो सबसे बड़ा है, युवराज सिंह का नाम बहुत बड़ा है, मतलब ये ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स के हाथों से होकर आया, उनसे खेल के साथ उनके साथ खेल कर आया, उनसे सीख कर आया, तो उनकी जो आज कला देख सकते हैं, उनकी जो है आप प्लेइंग स्टाइल देख सकते हैं, उनकी जो है परफॉर्मेंस देख सकते हैं, उनके पीछे जो है उनके बड़े लेजेंड प्लेयर के हाथ है। लेकिन बाबर आजम को ये इतने बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं मिले कि वो उनके साथ खेले या उनके साथ सीख सके, लेकिन सिर्फ सरफराज अहमद मिला जिसने जो है कुछ सिखाया, जिसकी वजह से बाबर आजम ने आज क्रेडिट जो दिया है अपने द बाबर आजम आज अपने नाम का जो क्रेडिट दिया वो सरफराज अहमद को दिया कि उसने जो है मुझे एक बड़ा प्लेयर बनाया। मतलब कुछ सारा जो क्रेडिट उसने अपने नाम का वो सरफराज अहमद को दिया, सैफी भाई को दिया। उसके बाद दूसरा बड़ा सवाल था कि आपकी कवर सबके से अच्छी कवर ड्राइव है किसकी है, क्योंकि पूरी दुनिया के जितने बैट्समैन हैं तकरीबन सभी जो है ये कहते हैं कि बाबर आजम की कवर ड्राइव सबसे बेस्ट है, चाहे वार्नर हो, चाहे स्मिथ हो, चाहे आप मिस्टर स्टार की बात कर लें, पैट कमिंस की बात कर लें, हेजलवुड की, सभी बाबर का नाम लेते हैं, लेकिन बाबर आजम ने कहा कि सबसे जो लवली स्मूथली जो कवर ड्राइव है वो स्मिथ की है, ऑस्ट्रेलियन के ओडीआई कैप्टन स्मिथ की, यानी उसने कहा कवर ड्राइव है। तो मतलब कि अपनी कवर ड्राइव को बाबर ने प्रीफर नहीं किया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर की कवर ड्राइव को प्रीफर किया। उसके बाद जो है सबसे बड़ी बड़ा एक और सवाल पूछेंगे कि आपके फेवरेट प्लेयर कौन सा है, आप किसके साथ जो है खेलना पसंद करेंगे, जो प्लेयर्स बड़े बड़े लेजेंड प्लेयर रह चुके हैं। तो बाबर आजम ने कहा कि एबी डिविलियर्स मेरा ड्रीम प्लेयर है, मैं उसे ही देखकर मैंने खेलना स्टार्ट किया था और मैं उस जैसा ही खेलना चाहता हूं। तो एबी डिविलियर्स ने बाद में ट्वीट भी किया कि आप मेरे साथ एज अ कपल होकर खेलना चाहते हैं, हम एक ही क्रीज पर खेलें। तो मतलब कि एबी ने बाबर आजम के सवाल पर भी बड़ी उसको सराहा कि बाबर आजम को जो ख्वाब है उसकी रिस्पेक्ट की एबी डिविलियर्स ने, तो ये ड्रीम था। उसके बाद जो है बाबर आजम पूछा कि आप कौन सा मैच हारे थे जिसकी वजह से आपको सबसे बड़ा दुख हुआ था। बाबर आजम ने बताया कि जब हम 2022 के T20 वर्ल्ड कप हारे थे जिम्बाब्वे से, तो उस वक्त जो है मैं बहुत इमोशनल हुआ था, मैं रोया था, मेरे लिए सबसे बड़ा सैड मोमेंट था वो मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे से आना था, लेकिन मेरे लिए मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ा सैड मोमेंट था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो हम अफगानिस्तान से जब हारे थे 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, वो भी बहुत बड़ा बहुत रुलाने वाला कह सकते हैं सीन था कि पाकिस्तान वन साइडेड तरीके से हारा था अफगानिस्तान से, जिसने पाकिस्तान से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से या पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनसे क्रिकेट खेलना सीखिए अफगानिस्तान, उनसे हमारे हैं। उसके बाद एक और बड़ा सवाल पूछा गया बाबर आजम से कि आपका जो एक ज़बरदस्त कह सकते हैं ना, हर किसी का अपना कोई ड्रीम प्लेयर होता है या जिसमें विराट कोहली के साथ आप कंपेयर करते हैं, तो बाबर आजम ने कहा कि मुझे अभी खुद में और इम्प्रूवमेंट लानी है, मैं किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करता, मैं खुद एक अपनी कला रखता हूँ, मैं खुद को जो है ऊपर लेकर आऊँगा। मतलब बाबर ने खुद को किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया कि ये मैं इसके साथ हूँ या मैं इससे अच्छा हूँ, उसने कहा कि मुझे भी अभी बहुत कमियाँ और मैं अपनी अपने आप को भी और मजीद ऊपर लेकर आऊँगा। उसके बाद सबसे जो है अच्छी लीग का पूछा गया, तो बाबर आजम ने बताया कि PSL सबसे बेहतरीन लीग है दुनिया की। हालांकि बाबर आजम कहते हैं कि सबसे मुश्किल खेलना जो है BPL में है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, जिसमें बाबर आजम आजकल खेल भी रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की पिचेज जो है बहुत स्लो होती है पाकिस्तान में, खासतौर पर पिंडी की पिच जो है फटा पिच होती है, वहाँ पर आप जितना मर्जी धोएं खेलें डबल डबल 100 लगा सकते हैं, सिंगल 100 लगा सकते हैं, फ्लैट पिच है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल जो है बाबर आजम से पूछे गए। सबसे एंड में जो है रिजवान ने एक चिटकोला भी आपने खेला कि रिजवान ने कहा कि मेरी बेगम जो है पूछती रहती है कि बाबर आजम शादी कब कर रहे हैं, तो बाबर आजम ने उसे एक बड़ा मज़ेदार सा जवाब दिया जिस तरह दोस्त आपस में देते हैं, कहते हैं मैं तो प्राइवेट में बताऊंगा कि मैं कब शादी कर रहा हूं। तो ये भी बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है रिजवान ने। तो ओवरऑल बाबर आजम जब लाइव आए ट्विटर पर कल, तो वहां पर तकरीबन 1,70,000 प्लस लोग जो है उन्होंने ज्वाइन किया था, ज्वाइन मतलब कि आते थे ज्वाइन करके चले जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 प्लस लोग लाइव एक टाइम देखते रहे, लेकिन
जो आ रहे थे ज्वाइन करके जा रहे थे, टोटल तकरीबन 1,70,000 लोगों ने ज्वाइन किया।